नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदु चंदेल। खगोल शास्त्रियों को शुक्र ग्रह के वायुमंडल में एक गैस मिली है जो वहां जीवन होने का संकेत दे रही है। संभावना जताई गई है कि हो सकता है शुक्र ग्रह के बादलों में सूक्ष्म जीवन तैर रहे हैं। वहीं पृथ्वी के बाद जीवन की संभावना में सबसे ज़्यादा अध्ययन मंगल ग्रह के बाद शुक्र ग्रह पर हुआ। लंबे समय से ये बहस का विषय बना रहा है, इन ग्रहों पर जीवन हो सकता है या नहीं। जहां मंगल ग्रह पर जीवन के प्रमाण खारिज ज़्यादा किए गए, तो शुरू से जीवन के प्रतिकूल माने जाने वाले शुक्र पर उम्मीद की किरण की भी बहस को जन्म देती है। पिछले साल फॉस्फेरिन की खोज पर हुई बहस के बाद एक बार फिर नए अध्ययन ने शुक्र पर जीवन की संभावनाओं की उम्मीद जताई है। दरअसल नए अध्ययन में पाया गया है कि शुक्र ग्रह के बादलों में पराबैंगनी किरण छानने की क्षमता है। इससे वहाँ के अन्य बादलों की परतों में पृथ्वी की तरह प्रकाश संश्लेषण के लिए अनुकूल माहौल बनाने की संभावना है। इतना ही नहीं, शुक्र ग्रह पर बादलों की परतें सूक्ष्म जीवन पनपने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हैं। इसी सप्ताह एस्ट्रोबायोलॉजी में प्रकाशित अध्ययन में शोधकर्ताओं ने नासा के वनेरा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के वीनस एक्सप्रेस और जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा के अक्सुनी अभियानों के आंकड़ों का उपयोग कर ये नतीजे निकाले हैं, जो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। भले ही ना हो, लेकिन पूरी तरह से नए ज़रूर हैं। पिछले साल फॉस्फोरिन गैस की खोज ने हलचल मचा दी थी। ये गैस पृथ्वी पर केवल बैक्टीरिया ही बना पाते हैं, लेकिन फॉस्फोरिन की बहस के बीच पिछले साल ही जुलाई में एक और अध्ययन ने बताया था कि शुक्र ग्रह के बादल इतने सूखे हैं कि वहाँ जीवन संभव ही नहीं है। लेकिन नया अध्ययन इस धारणा को बदलने की बात कहता है। वैज्ञानिक इस बात के बिना किसी मतभेद के मानते हैं कि अपने निर्माण के समय और पृथ्वी और शुक्र ग्रह एक जैसे ही ग्रह थे। निर्माण के 2 अरब सालों तक शुक्र की सतह आवासीय थी और वहाँ उथले महासागर भी मौजूद थे, लेकिन शुक्र के सूर्य के बहुत ही पास होने से सब कुछ बदलता चला गया। सूर्य के पास होने से सूर्य के प्रकाश ने शुक्र के महासागरों को सोख लिया। वायुमंडल में पानी के वाष्प टूट गए और हाइड्रोजन अंतरिक्ष में चली गई। बिना कार्बन के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ग्रीन हाउस गैसें भी बढ़ी और आज हालत ये है कि यहाँ का तापमान 462 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और वायुमंडल में पानी का वाष्प भी नहीं है। इस वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, जो पृथ्वी की तुलना में 90% ज़्यादा मोटी है। इसी अध्ययन ने शुक्र ग्रह के बादलों के द्वारा सक्षम वातावरण देने का दावा करके शुक्र ग्रह पर जीवन की संभावनाओं पर बहस को नया और रोचक मोड़ दे दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बन रही वन इंडिया हिंदी के साथ।